तो यहाँ से अब जाने का वक्त हो गया है श्रीनगर से, और मैं भी जा रहा हूँ पहलगाम के लिए, जो कि फोटोज में बहुत खूबसूरत दिखता है, आज आंखों से देखने का मौका मिलेगा। श्रीनगर से पहलगाम की दूरी लगभग 100 किलोमीटर है, और आज इस रोड ट्रिप में कश्मीर को और करीब से जानने का मौका मिलने वाला था। मैंने सोचा था कि ये रास्ते पहाड़ों से भरे होंगे, पर ये श्रीनगर से जम्मू हाईवे के शुरुआती रास्ते थे, जो काफी अच्छी और प्लेन रोड थी। अभी मैंने रास्ते में गाड़ी रुकवाई है, और ये जो जगह है ये है पम्पोर रीजन कुछ भी ऐसे ही बोलते हैं नाम, और इसको सैफ्रॉन टाउन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर होती है केसर की खेती। ये जो पूरा खेत आप देख रहे हैं, ये पूरा केसर का खेत है। अभी इसको निकाल लिया गया है एक महीने पहले ही, अभी वापस से धीरे धीरे ये केसर के छोटे छोटे आप यहाँ पे ये देख रहे होंगे, ये अभी धीरे धीरे उग रहे हैं। अभी ये फिर से इसकी बुआई हुई है, और ये जब और बढ़ जाएंगे तो ये फिर इसको निकाला जाएगा। और ये यहीं से हमारे पूरे इंडिया में केसर एक्सपोर्ट होता है। यहाँ आसपास चारों तरफ आपको केसर के खेत दिखेंगे, और बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे यहाँ पे मिलता भी है, और एकदम उच्च क्वालिटी वाला आपको केसर यहाँ पर मिलेगा। ये चारों तरफ जो आप खेत यहाँ पे देख रहे हैं, ये पूरा केसर का खेत है। ये खेत पूरे 6 किलोमीटर के एरिया में फैले हैं, और यहीं पर एक शॉप पर मैंने कश्मीर की फेमस कहवा पी। जब आप श्रीनगर से पहलगाम के रास्ते पर जाते हैं, तो इस रास्ते में आपको खेत के बाद, जो कि सैफ्रॉन के खेत पड़ते हैं, उसके बाद आपको सैकड़ों दुकानें दिखेंगी जहां पर केसर ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिलते हैं। यहां पर एक शॉप पर ही ऐसे मैं आया हूं, और यहां पे भी आप देख सकते हैं ये शॉप है। अंदर आते ही आपको केसर की पूरी खुशबू मतलब नाक में आएगी, बहुत ही प्यारी लगेगी। बाकी यहाँ पर आप कुछ बाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे होंगे, केसर के पूरे फ्लावर हैं, और यहाँ पे ये पूरा जो केसर है पूरा रेडी वो दिख रहा होगा। मैंने यहाँ पे खेत भी देखे हैं, पर ये इतना कॉस्टली क्यों होता है? मतलब खेत तो बाकी चीज़ों के भी होते हैं, पर ऐसा क्या है इतना जो कॉस्टली इतना ज़्यादा होता है? ये सैफ्रॉन का फ्लावर रहेगा सर। हाँ, ये 170,000 फ्लावर हाथ से कलेक्ट करने पड़ते हैं। अच्छा, तब जाके 1 kg सैफ्रॉन बनता है। ठीक है, 170,000 फ्लावर जी। अच्छा। इसलिए ये वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइस है। इसमें अच्छा। हर एक फ्लावर में ये खाली 3 स्टेगमा जो रहेगा रेड कलर का, अच्छा, यही सैफ्रॉन है। अच्छा। और ये जो येलो वाला है ये सैफ्रॉन नहीं है। अच्छा, ये बाकी जो स्पाइस बनते हैं, मसाले, हाँ, बनते हैं, उसमें डालता है। हाँ। और उसके अलावा जो ये बाकी फ्लावर रहेगा, ये मशरूम के जो फार्म रहेंगे, हाँ, उन्हीं में फर्टिलाइजर के बदले डालते हैं। ठीक है। अच्छा अच्छा, काफी इसमें मतलब मजदूर भी लगते होंगे, काफी लगता है। साल में इसमें 3 बार मतलब खेत में खुदाई करनी पड़ती है। इसका जो बीज रहता है वो प्याज जैसे रहता है, हाँ, वो मिट्टी के नीचे 3 इंच लगाना पड़ता है। अच्छा। फिर इसका फ्लावर जो है वो 15 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर तक आता है। साल में केसर खाली एक ही बार, केवल एक बार साल में होता है। इन्हीं रास्तों पर जब मैं थोड़ा और आगे बढ़ा, तो क्रिकेट बैट की फैक्ट्री और दुकानें भी दिखाई दी। हमारे इंडिया में बहुत सारे युवा जो है वो क्रिकेटर बनना चाहते हैं, लेकिन क्रिकेट की शुरुआत बैट या बॉल से होती है, और बैट मिलता है कश्मीर में। ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, और यहाँ पे बहुत सारी आपको ये दिखेंगी बैट वगैरह की दुकानें भी, और यहाँ पे मतलब सारे इंडिया में जाती है, यहाँ से सब कहीं इंडिया जाते हैं, मुंबई, कलकत्ता, सब जगह यहाँ से जाती है। अच्छा, और कितने का मिनिमम कितने का बैट मिलता है कम से कम? पहले अच्छा पहले दिखाएंगे अलग अलग क्वालिटी का, बिल्कुल बैट अलग अलग क्वालिटी, और यहाँ पे आप देखेंगे अलग अलग बैट हैं, ये आप देख रहे होंगे। तो अगर आप शौकीन हैं बैटिंग करने के, तो यहाँ पे आप आकर बैट्स वगैरह भी बाई कर सकते हैं, और बहुत ही जेन्यून मिलेगा। और ये तो आप यहाँ पे शॉप के सारे देख ही रहे होंगे जहाँ मैं एक में आया हूँ, और अमेजिंग है। ये सारी चीजें भी आपको पहलगाम के रास्ते में जाने को जाते टाइम देखने को मिलेगी। लगभग 2 घंटे का रास्ता तय करने के बाद मैं पहुंच गया बीज बहरा मार्केट में, जहां कपड़े, खाने पीने की दुकानें और काफी डिफरेंट चीजें मिल रही थी।
तो पहलगाम के रास्ते में पड़ता है बिजबहरा, और अभी एक शॉप पे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ सिंघाड़ा है, जो कि काफ़ी स्मॉल सा है, ये आप देख रहे होंगे, छोटा छोटा सा, हम लोग की तरफ वाइट होता है, बड़ा सा होता है, थोड़ा बॉइल्ड है और अलग टाइप का है टेस्ट, हम लोग की तरफ थोड़ा अलग ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ का, पर यहीं अच्छा लगता है लोकल में, तो सबका अपना अपना टेस्ट है अपनी अपनी जगह का, बहुत ही मज़ा है, थोड़ा सा अगर टेस्ट ज़रूर करें, अगर पसंद है तो ले भी जाएं। इन रास्तों पर अब पड़ा एप्पल के गार्डन्स, जहाँ पेड़ों पर लदे हुए एप्पल्स आपको काफी लुभाएंगे, और यहाँ पर एप्पल के जूस, अचार, जैम के अलावा ढेरों चीजें आप खरीद सकते हैं। पहलगाम अभी जा रहा हूँ मैं रास्ते में, और थोड़ा भूख तो लग गई है, तो मैं रास्ते में अभी एक ब्रेकफास्ट करने के लिए एक जगह पर रुका हूँ, एक रेस्टोरेंट में, और यहीं पे एप्पल वैली भी है, मतलब पूरी एप्पल की आपको पेड़ वगैरह दिखेंगे, और यहाँ पे ये मैंने लिए हैं आलू के पराठे, जो कि 50 रुपीज़ के हैं, और ये आप देख रहे होगे साइज़ इसका काफ़ी हैवी है, और अचार भी लिए हैं, पकौड़ी लिए, ये 50 रुपये की है, टेस्टी है, और अभी पेट भर खाने वाला हूँ, क्योंकि अब पहलगाम में सीधे पहुँचूँगा, लगभग 2 घंटे लगेंगे, फिर उसके बाद वहाँ पे भी पेट भरना होगी। लगभग 4-5 घंटे की इस रोड ट्रिप के बाद दोपहर 3 बजे के करीब पहलगाम के पास मैं पहुँच गया। पहलगाम में पहुँच चुका हूँ, और यहाँ पर अभी आप जो देख रहे होंगे ये यात्रा बेस कैंप दिख रहा है, जो अमरनाथ जी की यात्रा होती है उसका ये नुनवान बेस कैंप है, और जब स्टार्ट होती है यात्रा तो यहाँ पे आप ये दूर दूर तक देख रहे होंगे यहाँ पे बना हुआ है, और साथ ही यहाँ पे जो मौसम है वो बहुत ही अलग है और बहुत ही ठंडा ठंडा सा है, और जब इधर आप देखेंगे तो ये जा रही है झेलम रिवर ट्रिब्यूटरी, इसको बोलते हैं, ऐसा मैप पे लिखा हुआ है, और बहुत ही प्यारी लग रही है, देख के ही लग रहा है कि काफ़ी फ्रीज करने वाली नदी होगी, क्योंकि ठंडक बहुत ज़्यादा है, और ऊपर बर्फ दिख रहे हैं, शायद कैमरे में नहीं आ रहा है, पर ऊपर बहुत ही प्यारा सा बर्फीला पहाड़ दिख रहा है, फॉग की वजह से पूरा नहीं क्लियर हो रहा है, लेकिन जो ठंडक है, जो नेचुरल वादियाँ हैं, वो मुझको यहाँ पर देखने को मिल रही है, सच में बहुत ही खूबसूरत प्लेस है ये। और यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते ही आप पहलगाम की मार्केट में पहुँच जाएंगे, जहाँ से आपको पुराने से ब्रिज के नीचे बहती हुई नदी, चारों तरफ बर्फ के पहाड़ के साथ प्यारी सी ठंड में एक अलग ही एहसास होगा। पहलगाम के टैक्सी स्टैंड नंबर 2 पर जब आप आते हैं, तो यहाँ से आप अपने लोकल साइट सीन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। अब 2 तरह के साइट सीन होते हैं, एक तो फुल डे पहलगाम का होता है, जो कि लगभग 3,500 रुपये से लेकर 2,800 रुपये से लेकर 3,500 रुपये तक का होता है, और ये फुल डे टूर आपका होता है, और इसमें बेताब वैली, आरू वैली और चंदनवारी जो मेन प्लेसेस हैं इनको कवर किया जाता है, और उसके अलावा भी कुछ लोकल साइट सीन है उसको कवर करते हैं, और अलग अलग गाड़ियों के हिसाब से 2,800 रुपये से लेकर 3,500 रुपये का खर्चा लगता है। जबकि दूसरा एक पैकेज है जिसमें आपका हाफ डे का लगभग टूर रहता है, और मेन प्लेसेस जो कि आरू वैली, बेताब वैली और चंदनवारी है, इन तीनों को कवर करने में आपके जो पैसे लगेंगे वो 1,800 रुपये से लेके लगभग 2,500 या 2,600 रुपये टोटल लगते हैं, गाड़ी के अलग अलग गाड़ियों के अकॉर्डिंग, और उसमें ये प्लेसेस आप 3-4 घंटे में कवर कर सकते हैं, हर प्लेस के लिए 1 घंटे का टाइम दिया जाता है, और यहीं से आप आकर बुकिंग कर सकते हैं, और एक अच्छी चीज़ ये है कि फिक्स्ड प्राइस है, कोई भी उसमें पंगे वाली बात नहीं है, और गाड़ी अलग अलग है, जैसे इनोवा में करते हैं तो आप लोग मतलब 5-6 लोग भी बैठ सकते हैं, तो उस हिसाब से आपका काफ़ी रीज़नेबल पड़ जाएगा, और वैन वगैरह भी अवेलेबल है, तो सारी तरह की सुविधा अवेलेबल है, और यहाँ पे आप आकर टैक्सी स्टैंड नंबर 2 पर बुकिंग कर सकते हैं। पहलगाम की प्लेसेस यहाँ पर अगले दिन काफी खराब मौसम की वजह से मैं नहीं घूम पाया, और यहाँ पर घूमने के लिए आपके पास 2 से 3 दिन भी होने चाहिए, जिनमें आप यहाँ की आरू वैली, बेताब वैली, टुलियन लेक, शेषनाग लेक, ममलेश्वर टेम्पल, चंदनवारी, बाइसरन हिल्स के अलावा भी कई प्लेसेस को कवर कर सकते हैं। पहलगाम का मेरा जो होटल है वो आप ये देख रहे होंगे, बहुत ही खूबसूरत सा है, द पाइनस रिजॉर्ट होटल का नाम है, और आज पहलगाम में बहुत ही ठंड है, और लगभग 4 लेयर मैंने पहन रखा है, रूम आपको दिखाता हूँ, बाकी होटल का ये आप पूरा बिल्डिंग देखें, यहाँ पर ये रहा
और इधर अगर आप पूरा देखेंगे चारों तरफ तो इधर ऊपर की तरफ आपको बर्फ़ वगैरह भी दिखाई देगी, उधर भी है और बैक साइड में भी आपको देखने को मिलेगी, और बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पर है। बाकी अब चलते हैं रूम की तरफ, और ये रहा वो रूम, डबल बेड रूम है। और इधर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको ये बाथटब के साथ ये पूरा रूम देखने को मिलेगा, तो जो कि काफ़ी अच्छा है। और इसके बाद यहाँ से आप सुबह सुबह आराम से बहुत ही शानदार नज़ारा भी देख सकते हैं, और जब बर्फ़ वगैरह पड़ी होती है तो और भी अच्छा लगता है। मतलब अगले 2-3 महीने 4 महीने तो खूब बर्फ़ आपको भरी पड़ी देखने को मिलेगी। और ये द पाइनस रिजॉर्ट होटल है, और यहाँ का जो फेयर है, टैरिफ है, एक नाइट का लगभग 3,500 है। कुछ साल पहले एक मूवी आई थी सलमान खान की, बजरंगी भाईजान, और उसमें एक सॉन्ग की शूटिंग हुई थी भर दे झोली या मोहम्मद, और वो जिस दरगाह पे हुई थी वो वाला दरगाह यही पहलगाम से कुछ दूरी पर पड़ता है, और वहीं पर मैं जा रहा हूँ और दिखाता हूँ आपको कैसी है वो लोकेशन, क्योंकि मूवी में तो बहुत ही प्यारी जगह दिख रही थी। अब पहुँच कर देखते हैं। इन सीढ़ियों के थ्रू आप केवल 15 से 20 मिनट में ही दरगाह तक पहुँच जाएंगे। क्या नाम है? हेलो, आप देख रहे होंगे कितना प्यारा सा डॉगी है। ये जो दरगाह आप देख रहे हैं ये है सखी जैनुद्दीन वली दरगाह, और ये बैक साइड में आप देख रहे हैं पूरा काफ़ी बड़ा सा है, इधर भी है, और अंदर कैमरा मैं ले नहीं जा सकता हूँ, लेकिन आप बाहर से ही देखेंगे तो बहुत ही प्यारा लगेगा, और काफ़ी हाइट पर है जहाँ से आपको नीचे रोड्स का भी प्यारा सा व्यू दिखता है। काफ़ी फॉग है इसलिए क्लियर व्यू नहीं आ रहा है, लेकिन इस दरगाह पे आप आएंगे तो काफ़ी शांत है, और यहाँ पे ही शूटिंग हुई थी बजरंगी भाईजान के उस शॉट की जो सॉन्ग था, तो ये काफ़ी प्यारा आपको लगेगा यहाँ पर। आज वापस श्रीनगर पहुंचकर मैं पहुंचा डल लेक की तरफ, और जहां पर आज शिकारा राइड के साथ हाउस बोट का भी एक्सपीरियंस होने वाला था। तो यहां पर अब मैं जा रहा हूं हाउस बोट में स्टे करने के लिए, और ये आप देख रहे होंगे यहां पे शिकारा राइड है और मोटर बोट है, बाथिंग बोट है, अलग अलग राइड के अलग अलग प्राइस हैं, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल में दे दूंगा। और यहां से अब मैं शिकारा के थ्रू जाऊंगा, जो कि इधर खड़ी है, ये शिकारा के थ्रू ही मुझको अब जाना है हाउस बोट तक। वहाँ सामने कई सारे हाउस बोट दिख रहे हैं, कौन से हैं ये जाके पता चलेगा। हाउस बोट के लिए आपको शिकारा के थ्रू ले जाया जाता है, और पहले मैंने यहाँ पर थोड़ी सी शिकारा राइड ली जो कि मजेदार थी, और उसके बाद पहुँच गया हाउस बोट की तरफ। तो शिकारा की जो राइड है वो जारी है, और ये जो आप बोट्स देख रहे हैं ये हाउस बोट है, और इसी में स्टे मिलता है, और ये जो देख रहे हैं ये पूरी शिकारा है, इसमें बैठ के आप हाउस बोट तक पहुंचते हैं, या फिर डल लेक में भी आप इसके थ्रू बोटिंग कर सकते हैं। और ये देख रहे होंगे पूरा हाउस बोट बना हुआ है, और इसी में सारे अरेंजमेंट होते हैं, और एक हाउस बोट में आई थिंक कई रूम्स होते हैं, ये अंदर जाकर पता चलेगा। बाकी यहाँ पे एक चीज़ की कमी जो मुझे समझ में आई है वो लाइफ जैकेट की है, क्योंकि यहाँ पे लाइफ जैकेट नहीं है, और अगर स्विमिंग नहीं आती है या फिर आती भी है तो ये चीज़ होनी चाहिए, लाइफ जैकेट एटलीस्ट। हाउस बोट का जो अभी डिनर है वो जारी है, और ये रही दाल, ये रही पनीर, और कॉलीफ्लावर की सब्जी, चावल और रोटी मिला है, इतना सारा चीज़, और बहुत ही वाहियात खाना है, मतलब क्या ही बताया जाए। और बाकी आपको हम लोग यहाँ पे बैठ के खा रहे हैं, और रूम में दिखाता हूँ आपको यहाँ का। ये रहा रूम, जो कि खाने से भी ज़्यादा वाहियात है, तो हाउस बोट में खर्च करें थोड़ा ज़्यादा, और बढ़िया आप देख के ज़रूर लें, क्योंकि बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस हाउस बोट का यहाँ पे रहा है। बाकी हालांकि सुविधा है, और यहाँ पे जो सर्विस दी जा रही है वो भी ठीक है, सब चीज़ ओके है, लेकिन जो हाउस बोट का जो मतलब रूम है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया मुझको।
हाँ, इसकी प्राइस लगभग 2,000 से 3,000 रुपए के बीच में, तो आप सोच सकते हो। कश्मीर की वीडियो आपने देख ली होगी और अब यहाँ पे बताता हूँ आपको कि कितने दिन यहाँ के लिए इनफ होगा। आप यहाँ पे 5 दिन के ट्रिप प्लान कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पहलगाम जाना चाहते हैं तो 2 से 3 दिन कम से कम अपने पास एक्स्ट्रा रखें। और इन 5 दिनों में आप कौन कौन सी प्लेसेस कवर कर सकते हैं वो मैं आपको आइटनरी बता देता हूँ। डे 1 में आप यहाँ की लोकल प्लेसेस कवर कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आप जा सकते हैं यहाँ के डल लेक में शिकारा राइड कर सकते हैं, शंकराचार्य टेम्पल घूम सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे शालीमार बाग है और ट्यूलिप गार्डन है, निषाद गार्डन है और आसपास की कुछ मार्केट लोकल प्लेसेस वो कवर कर सकते हैं। इसके बाद डे 2 में आप जा सकते हैं सोनमर्ग के लिए, जो कि पूरे दिन की ट्रिप होती है और यहाँ पे बर्फ वगैरह भी आपको काफी मिलेगी, बर्फ के लिए यहाँ पे जाते हैं। इसी तरह गुलमर्ग की भी डे ट्रिप होती है और यहाँ पे भी बर्फ वगैरह काफी मिलती है। तो ये दोनों दिन हो गया। इसके बाद आती है चौथे दिन की बात, तो चौथे दिन आप यहाँ पे हाउस बोट का एक्सपीरियंस ले सकते हैं और वहां पे आप स्टे कर सकते हैं। और पांचवें दिन आप यहाँ की कुछ बची हुई प्लेसेस को कवर कर सकते हैं और साथ ही मार्केट, जैसे कि यहाँ की बटमालू मार्केट है वो काफी फेमस है लोकल्स के बीच, वहां पे आप जा सकते हैं, शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। तो ये आइटनरी हो गया। खर्चे की बात करते हैं, यहाँ पर जो खर्चा आपका हो सकता है होटल का, वो लगभग आपका 1,500 से 2,000 रुपए में आपको होटल मिल जाएगा यहाँ पे, लेकिन वो नॉर्मल कैटेगरी का होगा। थोड़ा एक्स्ट्रा खर्चा करेंगे तो ज्यादा मिल जाएगा और कोशिश करें कि उसमें आप डिनर और ब्रेकफास्ट को इंक्लूड करवा लें। मील्स का आपका लगभग 600 से 700 रुपए आपका पर डे का पर पर्सन का खर्चा होगा और ट्रांसपोर्टेशन का 12,000 रुपए तक का खर्चा आ सकता है, जिसमें आप सोनमर्ग घूम सकते हैं, गुलमर्ग घूम सकते हैं और लोकल प्लेसेस कवर कर सकते हैं। तो इसके बाद अब पर पर्सन कॉस्ट की बात कर लेते हैं, तो होटल पे आपका लगभग 6,000 रुपए खर्च आएगा और मील्स पे आपका लगभग खर्च आ जाएगा 3,500 रुपए और ट्रांसपोर्टेशन पे लगभग 6,000 रुपए एक पर्सन पे खर्च आएगा। तो इसका टोटल करेंगे तो 15,500 रुपए का खर्च आएगा, लेकिन इतने में आप कश्मीर नहीं घूम पाएंगे। इसके अलावा हाउस बोट जो होता है, हाउस बोट अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप थोड़ा खर्च उस पे करें, कम से कम 8,000-10,000 या 12,000 रुपए वाली हाउस बोट करें। सस्ती वाली 2-3,000 रुपए वाली करेंगे तो बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस होगा, तो उसको ना करें। और इसके बाद जो और खर्चे होंगे वो ये होंगे कि आप सोनमर्ग जाएंगे तो बर्फ देखने के लिए आपको घोड़े या फिर कार करने पड़ेंगे, इसी तरह गुलमर्ग में भी करना पड़ेगा, इसी तरह और भी प्लेसेस पे कहीं पे जाते हैं तो कुछ ना कुछ खर्चे होंगे। और ये मान के चलें कि कम से कम आपका 10,000 रुपए पर पर्सन इन चीजों को लेकर एक्स्ट्रा खर्चा होगा। तो टोटल अगर करेंगे तो आप लगभग 20,000 से 25,000 रुपए मान के चले कि इतना कम से कम आपका खर्चा होगा। अगर आप पैकेज लेते हैं तो 18,500 रुपए में 2 पर्सन का हो जाएगा, हालांकि जो होटल मील्स और ट्रांसपोर्टेशन बताया वो उसमें इंक्लूड होता है और उतने में आप 2 पर्सन घूम सकते हैं। पैकेज के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल दे दी है, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पर आप मान के चलें कि 10,000 रुपए जो भी आप लेते हैं, 10,000 रुपए पर पर्सन एक्स्ट्रा आपका खर्चा होना ही होना है। अब बाकी यहाँ पर घूमने की जो एक बात होती है घूमने के टाइम की, सेफ्टी यहाँ पे कैसी है, तो सेफ्टी की बात की जाए तो अनसेफ मैं कहीं फील नहीं किया, लेकिन रिस्क आपको हर जगह थोड़ा थोड़ा अंदर से फील आएगा और थोड़ा सा ये डाउट तो होता ही है, तो ये चीज है वहां पे। और आपको जो ये ड्राइवर्स होते हैं या फिर मीडिएटर्स होते हैं या घोड़े वाले होते हैं, कई जगहों पे मिसगाइड भी करते हैं, तो इन चीजों से भी थोड़ा सा इन लोगों से सावधान रहे। और यहाँ पे अपने साथ गर्म कपड़े भी रखें और मेडिसिन वगैरह भी कुछ साथ में रखे रहें। और इसके अलावा जो बेस्ट टाइम यहाँ पर हो सकता है आने के लिए, वो हो सकता है आपके लिए मार्च से लेकर जून तक का, क्योंकि उस टाइम आपको बर्फ भी मिलेगी और यहाँ पे अच्छी ग्रीनरी भी मिलेगी। नवंबर के टाइम में या दिसंबर के टाइम में आपको ग्रीनरी देखने को नहीं मिलेगी, थोड़ा सूखा मौसम होता है। तो ओवरऑल ये जो इन्फॉर्मेशन थी वो आपके लिए थी। और इसके अलावा अगर आपको और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो 99 रुपीज का हमारा एक पैकेज है, जिसमें आप कंसल्ट कर सकते हैं हमसे, और उसके लिए भी मैंने लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मेक श्योर नेचर को क्लीन और ग्रीन रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। आज के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन थी, थैंक यू फ्रेंड्स।